कर दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार हम पब्लिक सर्वे दिखा रहे हैं। हमारे साथ लीना इंसा जी हैं जो 16-17 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं आपको, इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा विसन गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। लीना जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितना विश्वास करते हो लीना जी डेरा सच्चा सौदा के ऊपर? मैं इतना विश्वास करती हूँ जितना मैं खुद पे भी विश्वास नहीं करती, उससे भी कई गुना ज़्यादा। गुरु जी के बारे में क्या कहना है आपका? गुरुजी के बारे में जितना बोलें उतना बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। उन्होंने हमें मानवता के जो कार्य सिखाए, जो ज़िंदगी में जीना सिखाया, जो ज़िंदगी एक सही ढंग से जैसे हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम और बाकी तो अपने लिए खुद के लिए जीते हैं, पर हमें ये सिखाया हमारे गुरुजी ने कि हम असली ज़िंदगी तो वो है जो हम दूसरों के लिए जिए। जो भी आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि वो ना समझें, उन्हें अभी या तो कुछ पता नहीं है, वो अगर उन्हें कुछ मालूम करना तो वो आके देखें और हम सबसे बात करें। यहाँ के जो काम चल रहे हैं, जो अनुयायी जो कार्य कर रहे हैं उन्हें देखें। हमें सिखाया किसने? आखिर हमारे गुरुजी ने सिखाया, इतना तो हमें हमारे माँ बाप ने भी नहीं सिखाया जो शिक्षाएं हमारे गुरुजी ने हमें दी। आपने कभी भी ऐसे अलग तरीके का देखा हो? आप भी एक लड़की हो, आपने कैसा माहौल देखा? यहाँ बेटियाँ इतनी सेफ हैं ना, इतनी मैं नहीं मानती कि संसार में कहीं सेफ होंगी। एक बार तो हम अपने घर में भी ये सोचते हैं कि बेटी हमारी अकेली है, तो वहाँ भाई है, बाप है, एक बार तो हम वहाँ भी नज़र घुमा सकते हैं कि शायद कुछ अन कहीं बात ना हो जाए, पर डेरे तो आँख बंद करके इतना विश्वास है। आप लोगों को क्या बताओगे, क्योंकि लोगों ने तो टीवी को देखा है, उसी के द्वारा वो जानते हैं गुरुजी को, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या कहना चाहोगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये बातें हैं ये सारी बेबुनियाद हैं, सारी आलतू फालतू की बातें हैं, सारी एक ये रस्सा रोकने की बातें हैं कि सच्चाई की राह पे आज के टाइम पे रोड़े तो बिखेरते ही बिखेरते हैं, कांटे बिछाते हैं, तो ये उन्हीं का ही काम है कि हम रास्ता रोकें, तो ये नेकी भलाई के कार्य ना करें और जितने भी गलत काम हैं हाँ उन्हें करें। तो हमें तो हमारे गुरुजी ने ये सिखाया नहीं है। क्या कार्य गुरुजी ने नेकी भलाई के समाज के लिए किया? जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया तो फिर रास्ते में चले जाते हैं, अपने विकल में होते हैं, देखते भी नहीं है और वो तड़प रहा होता है। हमारे गुरु ने ये सिखाया चाहे कितना भी अर्जेंट तुम काम पे जा रहे हो, अगर बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उस सारी बातों को छोड़ के पहला कर्तव्य बनता है कि तुम उस को अटेंड करो और उसे हॉस्पिटल पहुँचाओ, और ये परवाह मत करो कि तुम्हारे ऊपर कोई केस बनेगा, और वो हमारे साथ तो केस बनने भी नहीं देता और बनता भी नहीं है। हम दिल खोल के उस कार्य में जुट जाते हैं, और या फिर कोई मरीज है या फिर कोई किसी को ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है मकान बना के देने, ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड देना, और जैसे किसी के पास राशन नहीं है, गरीब है और बेटे नहीं हैं और कमाने के कोई साधन नहीं है तो उसे राशन देना। मतलब मैं ये कहूँगी कि हर एक जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना एक इंसान को चाहिए, वो सारा आगे से आगे तैयार रहता है डेरे सच्चे सौदे के अनुयायी, और ये हमें सिखाया हमारे गुरुजी ने। क्या जो ज़रूरत है मैम गुरुजी की समाज को? गुरुजी की ज़रूरत तो हम ये कहते हैं इतनी हमें हमारी खुद ज़रूरत नहीं है समाज में, जितनी हमारे गुरुजी को हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे गुरुजी जब से गए हैं हम अनसेफ तो ये है कि हमारे गुरुजी जब सत्संग करते थे या फिर कहीं जाते थे हमें मोटिवेट करते थे, हमें ये होता था कि नहीं ये काम नहीं करना या इस रिश्ते नहीं जाना, तो हमें हमारे गुरुजी ये आगाह करते थे नहीं बेटा ये काम आपका कर्तव्य बनता है दूसरों का भला, दूसरों की नेकी में आना। तो और आज हम एक तरीके से अधूरे हैं अपने गुरु बगैर। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि भला होगा सरकार का, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा बुराई के दलदल में गिरे जा रहा है, नशे के दलदल में घुसे जा रहा है। तो मैं यही अपील करूंगी सरकार को कि अपने इंडिया को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए हमारे गुरु जी को लाना चाहिए, क्योंकि नशा इतना आगे इतना तेज़ रफ्तार से आगे जा रहा है। क्योंकि जब हमारे गुरुजी सत्संग करते थे लाखों की गिनती में एक 5 मिनट के अंदर नशा छोड़ देते थे, और वो प्रण ऐसा करते थे और मालिक करवा बीतता था कि वो नशा आगे ना करें।
तो अब ये देखो, मान लो 100% लोग हैं और 5 मिनट के अंदर मान लो 20% लोगों ने या 10% लोगों ने नशा त्याग है, तो मान लो फिर कितना फ़ायदा होगा? तो फिर देश बचेगा? तो अब तो देश उनकी गैर हाजिरी में, मैं तो यही कहूँगी कि बुराई के दलदल में जा रहा है और काफ़ी पिछड़ा होता जा रहा अपना इंडिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देश को बचाने के लिए, नशा मुक्त बनाने के लिए संत जी की समाज को सख्त जरूरत है। लगातार हमारे देश की जो लेडीज़ हैं वो सामने आकर बता रही हैं कि संत जी का कितना अहम योगदान है समाज को सुधारने के लिए, और आज उनकी डिमांड कर रही हैं कि हमारे बच्चों को नशे से बचाने के लिए, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए उनकी समाज को ज़रूरत है। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।